Today what we are going to share about a low back patient, low back pain patient जो काफी सालों से पेन में थे and हम पेशेंट से बात करेंगे directly like what she was suffering from and how she has recovered after coming to pain care physiotherapy clinic. Yeah. What's your name? Sukhvinder Kaur. Okay. So आप अपनी थोड़ी सी history देंगे like क्या problem थी आपको where you have gone. एक्चुअली मुझे 8 साल पहले मैं एक रैम से फिसल गई थी जिसके कारण मेरे बैक में और मेरे शोल्डर में बहुत पेन थी जिसमें जब MRI हुआ तो पता चला कि L4-5 समथिंग वो मनके वगैरह जो हिल गए हैं तो बहुत पेन हुआ उस टाइम पे थोड़ा सा चलो दवाइयां वगैरह खाई ठीक हो गए आफ्टर दैट वो पेन बढ़ता ही गया उस टाइम आप कितने इयर्स के थे उस टाइम 34 इयर्स यस तो उसके बाद फिर जैसे हमने फिजियो वगैरह स्टार्ट की किसी रेकमेंड किया तो उससे मतलब बहुत ज्यादा यस फिजियो भी उसके अलावा पेन किलर्स भी जैसे फिजियो में क्या कर रहे थे फिजियो में टेंस वगैरह वो दे रहे थे जैसे हीट पैड दे रहे थे मुझे और जैसे अल्ट्रासोनिक वो होता है वो इतना ही ट्रीटमेंट है जैसे 3 ही चीजें तो जैसे एक्सरसाइज थोड़ी सी बताई डिड दे असेस यू एग्जामिन योर बॉडी लाइक नो कि कहाँ से पेन जनरेट हो रही है क्या हुआ था कुछ उन्होंने नहीं एक्चुअली मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया फिजियोथेरेपिस्ट को बताया कि मुझे यहाँ पेन है ये जो पेन थी मेरी यहाँ से ये पूरी जाती थी और पैर भी सो जाता था ये हाथ भी बाजू मतलब पूरी भारी रहती थी ऐसे लगता था कुछ वेट उठाया हुआ है और जैसे मैं चौकड़ी लगाती थी या मैं सफर करती थी वो मेरा सो जाता था पूरी राइट साइड जो थी वो सो जाती थी और वर्क नहीं करती थी और मुझे ऐसा फील होता था जैसे मुझे पैरालाइज अंदर से खींच रहा है उठती नहीं थी तो मैं बहुत रोती भी थी और फिर वीडियो के पास जाना क्योंकि मुझे डॉक्टर किसी ने रेकमेंड ही नहीं किया था इतने अच्छे से भी और कई बार इमरजेंसी में मुझे रात को इतना दर्द हो जाता था जैसे ठंड में ज्यादा होता था उससे घुट जाते थे हाथ पैर एक दो बार तो मैं 6 सेक्टर में इमरजेंसी में भी गई तो उन्होंने मुझे जस्ट एक इंजेक्शन दिया घर आ गए तो वो 2-4 दिन के लिए पेन रुका लेकिन अभी मार्च में स्टार्टिंग में मुझे ज्यादा पेन हुआ क्योंकि देन यू वेंट टू सम अदर डॉक्टर्स आल्सो दे गिव यू एंटी-एंजाइटी ड्रग्स यस हाँ मैं अदर डॉक्टर के पास भी गई भी मार्च की स्टार्टिंग में मुझे जब ये बहुत ज्यादा मेरी रुक गई थी लाइक मुझे लगता था कि अब मैं नहीं उठ पाऊंगी तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि मुझे एग्जामिन तो किया ही नहीं उन्होंने डोर से ही देखा बताया और बोला कि एक्सरे करवा लो एक्सरे करवाया तो ही सेड कि आपको एंजाइटी है आप ज्यादा टेंशन ले रहे हो ऐसा कुछ नहीं है दिमाग से निकाल लो देन उन्होंने मुझे फिजियो जो उनके ही क्लिनिक में थी उनकी वाइफ थी तो मैं वहां गई तो सेम चीज उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं देखूंगी मैं अपना करूंगी और बट आपको एंजाइटी है और टेंशन मत लो आप ठीक हो जाएगा तो उन्होंने भी तो मुझे एग्जामिन नो उन्होंने कोई एग्जामिन नहीं किया जस्ट अपने जो उनके वर्कर थे उनको किया कि आप ये जो सेम थेरेपी टेंस और अल्ट्रासोनिक सेम 3 चीजें दी पैड दी उन्होंने मुझे कुछ एग्जामिन नहीं किया तो थोड़ा सा हमें फील हुआ कि जब हम पेन हमारी यहाँ पे बॉडी में है तो हमें सर में क्या हो सकता है एंग्जाइटी नहीं थी वो हमारी कोई वहम नहीं था क्योंकि मैं सफर कर रही थी मुझे पता है मैं कितना रोती थी इवन कि 3 दिन पहले भी फिर मेरे हस्बैंड का यहीं पे ऑफिस था जयपुर में तो वो मैम के क्लिनिक से यहाँ से गुजरे और किसी ने रेकमेंड किया कि आप यहाँ मैम को दिखाओ बिकॉज अब हम MRI करवाने जा रहे थे मुझे ऐसा लगता था पर्सनली मैं डॉक्टर साहब को बताऊं कि ये बताने से पहले मुझे ऐसा लगता था मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं हो गया लाइक कोई कैंसर टाइप तो नहीं हो गया जिससे मेरी बॉडी इतनी रुक गई है या मैं बहुत डरती थी क्योंकि बच्चे छोटे हैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया कि इसको कैसे रोकूंगी मैं पूरे 5 मार्च को हमने एक्सरे करवाया था उससे लेके आप देख लीजिए मैं 21 को फिर मैम के पास आई यहाँ और यहाँ पे 23rd को हाँ आज 23rd है तो 21 को मैं आई थी और जब मैं आई तो पहले दिन मुझे मतलब आपने जो बात मेरी समझी सबसे बड़ी बात की आपने कहा कि जो मेरी वो हड्डी ऐसे हिल के ऐसे हुई है उसको जगह पे लाना है ये वर्डिंग मुझे किसी डॉक्टर ने इन 8 सालों में नहीं की क्योंकि उन्होंने एग्जामिन ही नहीं किया तो मैम के यहाँ आके मुझे ये तसल्ली हुई कि फाइनली जब मैं आके बैठी कि चलो एक डॉक्टर है जिन्होंने ये बात समझी है कि इसको अपनी जगह पे लाना है क्योंकि जब तक वो अपनी जगह पे चीज नहीं आएगी तो मुझे रिलीफ कैसे होगा और फिर मैम ने एग्जामिन किया मुझे और मुझे अभी तो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था कुछ एक्सरसाइज मुझे करवाई सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने जो क्लियरिटी ये चीज दिखाई कि आपको घबराना नहीं है कोई बात नहीं बाकी जो है इनका जो फेथ था मेरे ऊपर और मेरा इनके ऊपर जब मैंने इनको सुना
तो मुझे लगा कि फाइनली मुझे मिल गया है मेरा वो डॉक्टर जो मुझे चाहिए था, मुझे समझे कि मुझे एंजाइटी नहीं है, अब मैं कोई मुझे मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, आई एम सफरिंग फ्रॉम टू मच पेन। तो उस दिन मैं जब घर जा रही थी तो रस्ते में थोड़ी सी जो जैसे ट्रीट किया था पेन हुआ, लेकिन जैसे मैं घर में आफ्टरनून के बाद रात हुई, रात को मुझे 8 बजे इतनी नींद आई, मैं इतना सोई, वो पहला दिन था इन 8 सालों में जब मुझे दर्द नहीं हुआ। एंड दैट वाज योर फर्स्ट सेशन? फर्स्ट सेशन था मेरा, और 22 को बुला के मुझे बुलाया था मैम ने, क्योंकि वेदर बहुत खराब था, बच्चे छोटे थे, मैं नहीं आ पाई, लेकिन आज मैं अभी मेरा दूसरा सेशन है। तो मुझे वो एक मिरेकल लग रहा था। ये बाय गॉड मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मैं यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में ही आज आके मैंने मैम का जो हाथ पकड़ा और उनको थैंक्स बोला कि यू आर लाइक मेरे लिए आप भगवान हो, क्योंकि एक चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए। इतनी बड़ी पेन जो पूरे 20 दिनों में पंचकुला चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने नहीं पकड़ा। इट्स जस्ट ऑल अबाउट द असेसमेंट, द डायग्नोसिस। See, physios can diagnose by themselves, assess by themselves, and then start the treatment. Okay, तो यही हमारी जो है the clinics जो priority है, हमारी clinic की जो USP है, that is the this thing only. We assess the patient, we diagnose the problem, and then we go for. I didn't ask you for the MRI, I didn't ask you for the X-ray. बिकॉज फिजिकल डायग्नोसिस, फिजिकल असेसमेंट से बढ़ के जो आप डायग्नोसिस कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। दैट्स मैं तो ये भी बताना चाहती हूँ, मुझे पेन किलर जैसे इन दिनों में मैंने काफी खाई, पेन किलर्स ने मेरे जैसे कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बढ़ गया, उसके कारण मुझे वॉक करनी पड़ी। मैं वॉक करती थी तो मुझे पेन होता था, और नहीं करती थी तो मुझे ये था कि मैं अब किस चीज की दवाई खाऊंगी, और मैं इतना ज्यादा पेन था कि आप मानेंगे कि मैं राइट साइड सो नहीं पाती थी, ऐसे मैं अपनी लेग्स उठा के रखती थी, इवन की जब मैं उस पर टॉयलेट पे भी जाती थी तो मुझे अपना एक पार्ट ऐसे राइट साइड पे उठा के बैठना पड़ता था, बिकॉज मुझे रखती थी तो डरती थी मैं, और या फिर हर वक्त मैं कुशन या पिल्लो रखती थी कि चुपता था वो मुझे। और एक ही सेशन में आप सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज विजिट जरूर करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ। और इसमें मैं एक चीज और डॉक्टर साहब को बताना चाहती हूँ जो कि मैंने उनको नहीं बताई थी, कि मैं एक पंजाबी आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, एक्ट्रेस हूँ। दैट्स गुड। मैंने नहीं बताई थी, ये मैंने एंड पे बताना था, लेकिन सब जो मेरे आर्टिस्ट उनको भी पता था कि मैं इन दोनों बेड रेस्ट पे हूँ, मैं काम नहीं कर पाई, मेरी शूटिंग्स, मेरे गाने की शूटिंग्स, और अभी 4 अप्रैल को मेरे गीत की शूटिंग है, उस टाइम तक तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं और भी मच बेटर हो जाऊंगी। यू विल डांस आल्सो। और मेरा जो फिल्मी नेम है वो राखी हुंदल के नाम से है, और आप सब भी डॉक्टर साहब भी यू कैन वॉच मी ऑन यूट्यूब एंड पंजाबी मूवीज। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट शूटिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।